राज्यसभा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ब्याज दरें घटेंगी। राज्यसभा में विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान मांगों और बजट पर बहस का जवाब देते हुए श्री जेटली ने कल ये बात कही। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जिक्र करते हुए श्री जेटली ने कहा कि ये ज्यादा बेहतर है कि देश के भीतर रक्षा उपकरणों का निर्माण हो। इसके लिए विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित 100 से 70% आयात करने की जगह इन पर 51% भारतीयों का स्वामित्व हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि भारतीय वायुसेना के लिए 58 परिवहन विमान विदेशी सहयोग से भारतीय कंपनियां बनाएंगी। भारतीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में झारखंड और छत्तीसगढ़ की 2 कंपनियों के खिलाफ 2 नए मामले दर्ज किए हैं। ये मामले केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के निर्देश पर दर्ज किए गए हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि रांची स्थित डोमको प्राइवेट लिमिटेड ने लालगढ़ उत्तर में कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए अज्ञात कंपनियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र रच कर अलग इरादे से अधिकारियों को फर्जी जानकारियां दी थी। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ की वंदना विद्युत लिमिटेड कंपनी के खिलाफ दर्ज किया गया है। उस पर तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अडानी समूह के खिलाफ ऋण सुविधा के लिए दस्तावेजों में हेरफेर के आरोप की शुरुआती जांच शुरू कर दी है। समूह पर आरोप है कि उसने 23 अरब रुपए के बिजली उपकरणों के आयात के लिए मूल्य बढ़ाकर दिखाया।